आज हम बात करेंगे अब तक की 5 सबसे डरावनी फिल्मों के बारे में जिन्हें आप अकेले देखने की गलती ना करें। नंबर 1 है कंज्यूरिंग। साल 2013 में रिलीज हुई ये फिल्म काफ़ी डरावनी है। रिलीज होने के बाद इस फिल्म को देश दुनिया में खूब पसंद किया गया। फिल्म में दिखाया गया कि एक फैमिली किसी फार्म हाउस में रहने के लिए जाती है, जहां उनकी मुलाकात एक अनजान शक्ति से होती है। उसके बाद पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, जो उस अनजान शक्ति से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। आगे क्या होता है उसे जानने के लिए आपको यह मूवी देखनी होगी। इस फिल्म में आपको हॉरर के साथ साथ सस्पेंस, रोमांच और थ्रिलर सब कुछ देखने को मिलेगा। नंबर 2, द इविल डेड। साल 1981 में आई इस फिल्म ने खूब लोकप्रियता हासिल की। फिल्म में 5 दोस्तों की कहानी को दिखाया गया है, जो जंगल में बने एक केबिन में जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात कई मांस खाने वाले राक्षसों से हो जाती है। आगे क्या होता है इसे जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना होगा। फिल्म काफ़ी सस्पेंसफुल और डरावनी है। नंबर 3, एनाबेल। ये फिल्म एक वास्तविक घटना पर बेस्ड है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली डॉल के अंदर बुरी आत्मा प्रवेश कर लेती है। यह बुरी आत्मा डॉल के भीतर घुसने के बाद घर के बाकी लोगों को डराने का काम करती है। अगर आप हॉरर फिल्म को देखना पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके लिए ही है। नंबर 4, ऑर्फन। ये फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई थी। फिल्म में दिखाया गया है कि एक पति पत्नी जिन्होंने हाल ही में अपनी बेटी को खोया है, वो एक 9 साल की बच्ची को गोद लेते हैं। गोद ली हुई बच्ची उतनी मासूम नहीं होती है जितनी वह दिखती है। आगे जो होता है उसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 5, ट्रेन टू बुसान। ये फिल्म हॉरर के साथ साथ काफ़ी सस्पेंसफुल भी है। साल 2016 में आई इस साउथ कोरियन फिल्म ने जॉम्बी फिल्मों के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म हमें एक ऐसे अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में लेकर जाती है, जहां जॉम्बी वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति ट्रेन में चढ़ जाता है। उसके बाद वह बाकी लोगों को भी संक्रमित कर देता है। फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा ट्रेन के तंग वातावरण में ही शूट किया गया है। ट्रेन में एक पिता अपनी बच्ची को इन जॉम्बियों से बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या वो अपनी बच्ची को इनसे बचा पाता है या नहीं, जानने के लिए आपको ये हॉरर बेस्ड जॉम्बी फिल्म जरूर देखनी चाहिए। ऐसे ही इंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।